कैथल शहर में खलमिल चलाने वाले एक व्यक्ति से दो विदेशियों ने 2000 का नोट दिखाने के बहाने चालाकी से 68,000 रुपए की ठगी कर ली। दरअसल पीड़ित महेंद्र पाल की शिकायत के अनुसार जींद रोड चुंगी पर उसकी खल भंडार मिल है, जहां पर 17 सितंबर को दोपहर के समय एक विदेशी जोड़ा आया। दोनों ने उससे 80 रुपए में 2 किलो खल खरीदी। उसके बाद दोनों विदेशियों ने उसे भारत का 2000 रुपए का नोट दिखाने की बात कही। जब वो पैकेट से 2000 रुपए का नोट निकालने लगा तो उन दोनों ने उसके हाथ से पैकेट लेने की कोशिश की और उन्होंने बड़ी ही चालाकी से 2000 के 34 नोट के पैकेट को अपने पास रख लिया और 68,000 रुपए हड़प लिए। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है किस तरह से विदेशी जोड़े ने मिल के मालिक को बातों में लगा रखा है। इस वारदात के बाद थाना सिविल लाइन में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था। मामला संगीन था और विदेशी आरोपियों से जुड़ा हुआ था, जिसके चलते एसपी ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए मामले की जांच CIA 1 को सौंपी। SIA 1 पुलिस द्वारा की गई कड़ी मशक्कत के बाद दोनों आरोपियों को नारायणगढ़ से काबू कर लिया गया। साथ ही साथ दोनों के पास से होंडा सिटी गाड़ी को भी जब्त किया गया है। सत्रह तारीख को महेंद्रपाल की एक खड़का मिल है जींद रोड चुंगी के पास, वहाँ पर आई। इन्होंने दो किलो खड़ ली 80 रुपये मोल। फिर ये महेंद्रपाल को कहने लगे, आपके पास इंडिया का 2000 रुपये का नोट है, वो दिखाओ हमारे को। महेंद्रपाल जी ने एक नोट इसको इनको दिखा दिया। फिर बोले इन्हें उसमें दराज से निकालने तो उसमें गड्डी थी उसके पास पूरी। वो बोले सारी गड्डी दिखाओ। उन्होंने गड्डी हाथ में दिखाई, उन्होंने उसमें 34 नोट निकाल दिए जासा दे गए और वो नोट अपने उसको जो साथ में दोनों थे मिले उसको अपनी पत्नी को दे दिए और वहाँ से ले गए, फरार हो गए। फिर ये तफ्तीश हमारे पास SP साहब के अनुसार हमारे को मिली। हमने सारे कैमरे को कौन लोग थे, ये कहाँ से आए थे, कब आए थे? ये अली और उसकी पत्नी अफसाना है। ये तहराना के रहने वाले हैं, ईरान देश के हैं। ये 19-20 जुलाई की रात को इंडिया टूरिस्ट वीजे पर आए थे और दिल्ली से गाड़ी ले गए कैथल में पहुंचे। कौन से वीजे पर सर ये लोग आए? ये टूरिस्ट वीजा था इनके पास। कहां से इनको गिरफ्तार किया गया? हम नारायणगढ़ से गिरफ्तार किए हैं। तो सर पुलिस इन तक कैसे, आप पहुंचे कैसे इन तक? इनके साथ पहुंचे, ने कैमरे चेक करते हुए हमने इस पर टोल पे 152 या टोल है वहाँ पर इसके गाड़ी का नंबर आ गया क्लियर। इसकी जो फुटेज यहाँ पर भी इसमें कैमरे लगे हुए थे उनमें केंद्र फुटेज थी, चेक किया, मिलाप किया तो इनके मिलाप हो गया और गाड़ी के मालिक तक पहुँचे। गाड़ी मालिक ने बताया भी हमने तो गाड़ी अली को किराए पर दी हुई है, गाड़ी अंदर GPS लगा हुआ था, GPS लोकेशन अनुसार हम पहुँचे। मैंने गिरफ्तार के बाद ही हमने मेडिकल करा तो वहाँ कोरोना पॉजिटिव पाया अली, इसको क्वारंटाइन कर दिया हॉस्पिटल में। तो सर जैसे ये है या सर अभी अभी तो इनका रिमांड लेना था, उसके बाद ही जाँच कर। तो जो ये सर दुकान का मालिक है, इसने क्या कुछ बताया भी, कैसे इसके पास आए थे, कैसे इसके टिकी? दुकान के मालिक ने बताया हमारे पास आए, ये कहने लगे ये क्या है, इन्हें बताया ये तो पशु डालने वाला खड़ है। बोले हमारे को 2 किलो दे, हमने भी डालना है। इन 80 रुपये आगे 2 किलो खड़ लिया और जैसे ने पैसे दिखाई ये कहने लगे अली, वो लेडीज है, लेडीज ने उसके बेटे को बातचीत करने लगी और ये आदमी जो अली था, अली कहने लगे आपके पास इंडिया का 2000 रुपया नोट हो दिखाओ। तो महेंद्रपाल जी ने उसको दिखाया तो उसके अंदर गड्डी थी, उसके पूरी गड्डी से निकाली, उन्होंने गड्डी देख ली सारी। बोले ये गड्डी दिखाओ मेरे को, उन्होंने हाथ मिली तो उसने चकमा देखा, उससे 34 नोट निकाल लिए। हैरानी की बात यह है कि सोमवार को न्यायालय में पेश करने से पहले दोनों ही आरोपियों का मेडिकल परीक्षण करवाया गया था और मेडिकल जांच में दोनों ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों को पुलिस की सुरक्षा में क्वारंटीन कर दिया गया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। पंजाब के CCTV के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।